बेनीपट्टी के मधुवापुर प्रखंड के अवारी गांव में ग्राम डिहवार स्थान परिसर में भगवान श्री राम लक्ष्मण सीता व बजरंग बली की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर गुरुवार को भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें 251 कन्याओं के द्वारा गांव के ही धौस नदी से जल भरकर कलश शोभा यात्रा को संपन्न किया गया। इस दौरान पंडितों के द्वारा किए जा रहे वैदिक मंत्रोच्चार से पूरा गाँव भक्ति में सरोबार रहा। दिन के करीब 10 बजे ग्राम डिहवार स्थान से निकले कलश यात्रा पूरे गांव का भ्रमण कर नदी तक पहुंची, जहां विधिवत रूप से पूजा पाठ कर कलश भरा गया। कलश शोभा यात्रा के दौरान पूरा गांव राममय हो गया। गांव के सभी घरों के छतों पर धर्म ध्वज व पताका फहरा रहा था। गांव के क्या वृद्ध, क्या महिलाएं और क्या बच्चे, हर कोई धर्म के इस कार्य में लगा हुआ था। पूरे गाँव में उत्सवी माहौल बन गया। जानकारी के लिए बता दें, युक्त मंदिर का निर्माण गांव के ही समाज सेवी सह झारखंड युवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष चंद्रभूषण झा के द्वारा करीब 2.5 करोड़ की राशि खर्च कर बनाई गई है। कलश शोभा यात्रा के दौरान झारखंड से आए ढाक व ताशा पार्टी के द्वारा शानदार प्रस्तुति दी गई, जिसे देखने के लिए भारी भीड़ जुटी रही। इस दौरान विधि व्यवस्था के मद्देनजर सहारघाट SHO अरविंद कुमार अपने दलबल के साथ मौजूद रहे। वहीं कलश शोभा यात्रा के दौरान श्रीपाल झा, डॉक्टर प्रेम कुमार झा, सतीश चंद्र झा, जिला परिषद सदस्य मनीष झा, निरंजन झा, विजय झा, विनय झा, आनंद झा सहित दर्जनों लोग कलश शोभा यात्रा के साथ कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे रहे।